Hey guys, welcome to my YouTube channel. जी दोस्तों, आप सभी कैसे हो? I hope आप सभी बढ़िया होंगे. My name is KP. My qualification is diploma in medical laboratory technology. जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे. दोस्तों आपने ये देखा होगा लैब के अंदर मैक्सिमम. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट स्ट्रिप के बारे में. दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और इनकी क्या फुल फॉर्म होती है, हम कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बात करेंगे. सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको ऊपर दिख रहा होगा LEU मतलब ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है. फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज दिख रही होगी वो है NIT मतलब नाइट्रेट. ठीक है गाइज. उसके बाद में जो आपको दिख रहा होगा URO का मतलब होता है यूरोप बिलोनोजन. ठीक है गाइज. उसके बाद में PRO मतलब होता है प्रोटीन. उसके बाद में PH मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. इसके अंदर दोस्तों एसिडिक है या बेस है ये देखा जाता है. उसके बाद में BLO मतलब होता है ब्लड. ठीक है गाइज. इसके अंदर देखी जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है, RBC. ठीक है गाइज. उसके बाद में जो SG है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी. उसके बाद में KET मतलब कीटोन बॉडीज. उसके बाद में जो BIL मतलब बिलुरुबिन. ठीक है गाइज. बिलुरुबिन आपके यूरिन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है. उसके बाद में GLU मतलब होता है ग्लूकोज और एस्क्रिप एसिड. ठीक है गाइज. जो ASC होता है उसे विटामिन सी से दोस्तों उसको दूसरा हम कहते हैं. इसके अंदर देखी जाती है ASC होता है जो एस्क्रिप एसिड देखा जाता है. जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ यूरिन के पैरामीटर जो हमने इस वीडियो के अंदर बात किए थे. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा.